हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सबको संडे बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह हो चुकी है और हम चर्च से भी आ चुके हैं, तो हमने बहुत इंजॉय किया और हम इबादत करके आए हैं। आप सबके लिए भी करके आए हैं कि खुदावंद आप सबको तंदुरुस्ती और सेहतयाबी अता फरमाए। हमारी पूरी फैमिली चर्च गई थी और हस्बैंड जी लेने गए हैं नाश्ता, तो जैसे आएंगे हस्बैंड जी नाश्ता लेकर हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि आज घर में नहीं बनेंगे कोई परांठा, नो परांठा, ना पालक वाला ना मेथी वाला, कुछ भी नहीं बनेगा आज। जस्ट होगी ब्रेड और ब्रेड को लाइक करेंगे हम इंजॉय। आपने हमारे साथ ही बने रहना है, तो चले दिखाती है आपको अपना नाश्ता जो हस्बैंड जी लेकर आ चुके। तो ये है बटर, बटर तो आप सबको पता है बटर है, और मेन्यू से हमारा ख़त्म हो चुका था, तो ये अभी जिनेडा ने ज़िद कर कर स्पेशली मंगवाए हैं अपने लिए। तो ये देख सकते हैं, ये इसके बगैर नाश्ता बिल्कुल नहीं करती है, उसकी सेहत का राज यही चीज़ें हैं। तो ये है ब्रेड, ये बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। और ये है जंबो ब्रेड, तो अभी बनाऊँगी मैं अंडे, अंडे फ्राई करूँगी और कुछ अंडे बॉयल करूँगी। जिन्होंने बॉयल खाने वो बॉयल खाएंगे, जिन्होंने फ्राई करने फ्राई करेंगे, और साथ ही बना लेते जल से चाय। इससे पहले कि चली जाए लाइट, हम करेंगे नाश्ता इंजॉय, आपने मेरे साथ ही बने रहना। तो यहाँ पर बन रहा है चिकन पुलाव, तो मज़ेदार से चिकन पुलाव बन रहा है। यहाँ पर प्याज हो गए थे ब्राउन और मैंने डाल दिया था इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैं मसाला पीस कर रख लेती हूँ, और जब जल जल्दी होती है तो हम उसी टाइम पर मसाले को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे प्याज ब्राउन हो गए थे मैंने इसके अंदर हरा मसाला भी डाल दिया था, और साथ ही टमाटर मैंने काट कर ऐड कर लिए थे। और ये देख सकते हैं टमाटर भी कटिंग हो रही है, और साथ में टमाटर जा रहे हैं अंदर मसाले के अंदर। और इसका भी मैं अच्छे से भून लूँगी, भूनने के बाद फिर जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल दूँगी, मतलब के लौंगे, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सब चीज़ों को मैं इसके अंदर डालकर अच्छे से भून दूँगी। और ये मसाला है सूखा धनिया और लाल मिर्च वगैरह का पाउडर, तो ये सब इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से और अच्छे से भुना जाएगा, इसकी अच्छे से भुनाई होगी, क्योंकि जब कच्चा मसाला आता है तो उसकी हींग आती है और एक अजीब सी महक आती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें डालकर और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये सारा मैंने एक प्लेट में डाल दिया था और मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब खूब इसको मैं मिक्स करूँगी और अच्छे से भून लूँगी। और इसके साथ ही फिर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, ताकि जो हमारे मसाला ज़ात हैं, जो गरम मसाला है, उसकी खुशबू अच्छे से पूरे चिकन के अंदर भी आ जाए, और जो चिकन की अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से चिकन भून लिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, चिकन है, चिकन को अच्छे से भुना जा रहा है और यमी सा बनने लगा है आज मेरे किचन में संडे स्पेशल चिकन पुलाव। तो जो कि बच्चों ने बड़े फरमाइश में कहा था कि आज बिरयानी नहीं बनेगी, आज बनेगा चिकन पुलाव। तो लास्ट टाइम मैंने बनाया था वाइट कोरमा, तो ऐसे ही चेंज कर करके मैं बच्चों को कुछ ना कुछ बना कर देते रहते हैं। अदरवाइज़ बच्चे तो चाहते हैं कि सब्ज़ियाँ और दालें ना बने, चिकन वाली चीज़ें या मीट वाली चीज़ें ही बनती रहें, तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा खाने को इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था पानी, और पानी में डाल दिए थे साथ ही राइस, और जैसे ये पानी खुश्क होगा तो फिर हम इनको रख देंगे चावलों को दम पर, और जैसे दम हो जाएगी तो फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे मज़ेदार से यमी यमी सा चिकन पुलाव। तो यहाँ पर दम दमा दम दम हो चुका है, तो अभी दम हटने लगा है। तो जी, तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से यमी यमी से चिकन पुलाव रेडी। तो जी, जिसको खाने चिकन पुलाव और साथ गर्म गर्म चाय, और इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी थी हरी, बड़ी वाली हरी मिर्चों की, जो कि उनकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, और अगर वो खाए भी जाएँ तो नॉट बैड, ज़्यादा लगती भी नहीं है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी आता है। तो अब इसको मैं करूँगी डिश आउट और इन्जॉय करेंगे। तो हस्बैंड जी जैसे आते हैं, वो आज संडे था तो वो गए थे अपने फ्रेंड के घर पर सदर, क्योंकि आपको पता है कि उनके कबूतरों का उनको शौक़ है, तो फिर संडे वाले दिन छुट्टी होती है, हाफ डे होता है, तो वो फिर अपने दोस्त के घर चले जाते हैं और थोड़ी कबूतरों की बातें बातें करते हैं। तो भी उनको भी तो टाइम चाहिए ना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, जो कि और ज़्यादा पुलाव को यमी और मज़ेदार बना रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये रेडी हो चुका है खाना, तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो साथ में बना लिया था हम लोगों ने यमी सा रायता, तो ये डलेगा अब इसके ऊपर। और जिस जिसको खाना है चिकन पुलाव और साथ रायता, तो आज है बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो अभी हम करेंगे डिनर इन्जॉय, आप लोगों ने हमारे साथ ही बने रहना है, और हमारी वीडियो को कर दे जल्द से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो
यहाँ पर मैं इनकी स्वेटरें देख रही थी, तो इनकी स्वेटरें वैसे तो मैं वॉश करके एक दफ़ा रख देती हूँ, लेकिन अभी फिर मैंने निकाली हैं, तो ये इनके स्कूल की ग्रे स्वेटर्स हैं, तो बिल्कुल नीट हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि ऐसी पड़ी रहती है तो मैं इनको वैसे नहीं पहने देती हूँ, तो एक दफ़ा दोबारा से इनको मैं वॉश करूँगी ताकि फिर ये लोग यूज़ करें। सर्दी वैसे होती तो नहीं, इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और रात के टाइम ज़रा सी लगती है, लेकिन अगर अचानक सर्दी आ जाएगी तो फिर इन्होंने मुझे डाल देने मुसीबत, तो मैं पहले से ही साथ साथ ही निकालने का रख रही हूँ ताकि ज़्यादा बाद में टेंशन ना हो। मेरी तो नहीं निकालना। नहीं, आपकी नहीं निकाली। और आपको सिबल आ चुकी है, सिबल आज सुबह से गई थी अपनी नानों के घर, तो अभी अभी इनके बाबा लेकर आए हैं इसको। तो ये देखिए, ये है मेरे बेटे की गेम जो कि नहीं लेकर आए थे, और ये बड़े शौक से खेल रहे हैं। कल तो इसने इतना हुदम मचाया था कि मुझे यही चाहिए, तो फिर अपने बाबा के साथ गए थे और लेकर आए थे, जो कि एक दो दफ़ा खेली, अब वैसे ही पड़ी है, पॉसिबल खेल रही है। तो कल है ऑलविन डे, है ना, यही है ना जिनेडा, तो आप देख सकती हैं सिबल अभी से ही सेलिब्रेट कर रही है इस डे को, तो हमें हर डे इंजॉय करना चाहिए, हर डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो जल्दी कर दें लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तो सिबल ने कहा अब तो आप ज़रूर करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, हमारी वीडियो को वॉच करेंगे, तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय।